हेलो एवरीवन स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम गुवाहाटी द्वारा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एच एस एग्जामिनेशन टू में जो कैंडिडेट्स फेल किए हैं उसमें से कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते हैं और जो दे सकते हैं उन्हें किस तरह से अप्लाई करना होगा क्या क्या क्राइटेरिया है क्या क्या एलिजिबिलिटी है यह सारे बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा ठीक है द दोज कैंडिडेट्स हु कुड नॉट कम आउट सक्सेसफुल In 2022. Means, जो कैंडिडेट में पास नहीं हो हैं एंड फेल्ड इन मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट जो मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट में ही फेल हुए हैं एंड मिनिमम वन सेवेंटी मार्क्स उनका है वही कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं मीन्स जो तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वह नहीं दे सकते हैं कोई सब, फोर्थ सब्जेक्ट में फेल हुआ है वह नहीं दे सकता है कोई पांच में फेल हो गया वह नहीं दे सकता है मीन्स मैक्सिमम जो तीन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वही कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं और साथ में उनका मार्क्स जो है वह वन सेवेंटी होना पड़ेगा ठीक है उनका मार्क्स वन सेवेंटी अगर है टोटल तो, तो, तो वह एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ सकते हैं द कैंडिडेट अपियरिंग इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हैज टू सिक्योर मिनिमम थर्टी परसेंट मार्क्स जो कंपार्टमेंटल एग्जाम आप देंगे उस सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में आपको थर्टी परसेंट लाना होगा पास होने के लिए ठीक है डैट मीन्स अगर नाइन्टी मार्क्स का वह सब्जेक्ट है तो नाइन्टी का थर्टी परसेंट मीन्स ट्वेंटी सेवन मार्क्स लाना पड़ेगा ठीक है जैसे मैथ्स में अगर नाइन्टी का होता है तो उसमें पास मार्क ट्वेंटी सेवन होगा ठीक है साइंस में नाइन्टी का होता है थ्योरी सो पास मार्क कितना होगा नाइन्थी या ट्वेंटी सेवन होगा सोशल भी नाइन्टी मार्क का होता है

और जब वन एटी ला देंगे तो उन्हें पास करा दिया जाएगा और वे जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं अभी एच एस एल सी एग्जामिनेशन में और अपना एडमिशन इलेवन क्लास में लिए हैं वह उन्हीं के साथ ये लोग भी जो कंपार्टमेंटल पास होंगे वे भी उन्हीं के साथ क्लास 11 में सेम एकेडमिक ईयर मींस इसी साल अपना एडमिशन कराकर पढ़ाई कर सकते हैं तो आगे क्या लिखा है देखिए if such candidates cannot come out successful in the compartmental examination 2022 they shall have to take readmission in their respective school to appear again as regular candidate if so desired क्लियर तो री एडमिशन लेना होगा और री एडमिशन लेके पूरा शुरू से पढ़ाई करना होगा उन्हें यूनिट टेस्ट देना होगा उनको हाफ फेल एग्जाम देना होगा उनको प्री टेस्ट एग्जाम देना होगा प्री फाइनल देना होगा उसके बाद वो फाइनल एग्जाम दे सकते हैं ठीक है आगे क्या दिया हो देखिए नंबर वन पॉइंट द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विल कमेंस फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड शॉर्टली मीन्स कम्पार्टमेंटल एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है उसका जो एग्जाम का जो डेट है तुरंत घोषित किया जाएगा नंबर टू क्या दिया हुआ देखिये डिटेल शिड्यूल फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रो रेस्पेक्टिव स्कूल्स विल बी नोटिफाइड शॉर्टली द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म सेल स्टार्ट फ्रॉम फोर्टीन सिक्स टू ट्वेंटी फोर सिक्स 2022 मींस आप कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका डेट दे दिया है वह 14 जून से लेकर 24 जून के बीच में कर सकते हैं इसलिए जो भी कैंडिडेट कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है उन्हें वह अपने स्कूल में कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके स्कूल के हेल्प से अपना फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं ठीक है नंबर 3 क्या दिया हुआ है द एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹300 ओनली हैव सेल हैव टू पेड फॉर इच सब्जेक्ट मीन्स हर सब्जेक्ट के लिए उन्हें तीन सौ रुपया देना होगा कोई अगर मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट फेल है तो थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड मींस नाइन हंड्रेड देना होगा अगर किसी दो में फेल है कोई तो उन्हें थ्री हंड्रेड प्लस थ्रीडेड सिक्स हंड्रेड देना होगा या कोई एक में फेल है तो उन्हें सिर्फ ओनली थ्री हंड्रेड देना पड़ेगा एंड थ्रो सिस्टम जनरेटेड चलान ऑफ आसम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड रुपीज हंड्रेड ओनली सेंटर फी और उन्हें सेंटर फी भी रुपीज हंड्रेड रुपीज सेंटर फी एग्जाम फी जो होता है सेंटर फीस हंड्रेड रुपीज देना होगा देखिए और क्या है, लिखा हुआ है द कंपार्टमेंटल एग्जाम सेल बी ओनली फोर थ्योरी पेपर कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होगा वह क्या होगा थ्योरी पेपर का होगा डेट मीनस उनका जो मार्क्स जो पहले भेजा गया था स्कूल से आपका प्रैक्टिकल का या जो इंटरनल असेसमेंट होता है वह मार्क्स ही रहेगा ठीक है, सिर्फ उन्हें थ्योरी का एग्जाम देना होगा हम क्लियर कर इन द कंपार्टमेंटल एग्जाम डेट मीनस आप जिस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं सपोज आप मैथ का कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं नाइनटी मार्क्स का थ्यूरी एग्जाम और पहले आपको टेन मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम था उसमें टेन में अगर नाइन मिला है तो वह नाइन मार्क्स ही क्या होगा आपका इंक्लूड होगा ठीक है और नाइन्टी मार्क्स का थ्योरी मार्क्स का एग्जाम देना होगा और नाइन्टी में जितना मार्क्स मिलेगा आपको वह उसमें प्लस हो जाएगा मीन्स पहले जो मार्क्स स्कूल से चला गया है वह मार्क्स ही आपके काउंट होंगे ठीक है फ्रेश आपका दूसरा मार्क्स नहीं लिया जाएगा ओके आई होप इट इज क्लियर ठीक है फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है नंबर सेवन पॉइंट में द लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर होल्डिंग कम्पार्टमेंटल एग्जाम्स विल नोटिफाइड इन द पोर्टल और कौन कौन से सेंटर होंगे एग्जामिनेशन का कंपार्टमेंट एग्जामेशन के लिए यह नोटिफाई किया जाएगा ठीक है और स्कूल है्वाइस फॉर द सेंटर इन ऑनलाइन पोर्टल और हर स्कूल को च्वाइस करने का यह हक दिया जाएगा कि वो कौन सा सेंटर में अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं ठीक है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म जब फॉर्म फिलअप होगा एंड फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट हाउ एवर इन केस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फाउंड टू बी लेन फिफ्टी मर्ज इन देंटर अगर किसी में फिफ्टी स्टूडेंट से कम होते हैं तो उनको एक नियरेस्ट सेंटर में क्या किया जाएगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है और नंबर एट क्या लिखा हुआ देखिए द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल गेट कंपोजिट फ्रेश मार्क्सिट इन कॉर्पोरेटिंग द मार्क्स ऑपटेन बाय देम इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन मीन्स जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं उस जिस सब्जेक्ट में दे रहे हैं उनका अगर मार्क्स अच्छा आ जाता है या जो भी मार्क्स उनके आते हैं उस मार्क्स के अनुसार उनको न्यू मार्कशीट प्रोवाइड कराया जाएगा तो इस नोटिफिकेशन में यही था आप देख सकते हैं यह बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन था मैं उन सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर तीन सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और आपके 170 मार्क्स से ज़्यादा हैं आप कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अपने स्कूल में कंटेक्ट कीजिए और स्कूल में जाकर इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए और इसका फॉर्म फिलअप फोर्टीन से स्टार्ट होने जा रहा है सो इसमें देर मत कीजिए आप लोग तुरंत अपने स्कूल से कंटेक्ट करके और कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए तो आई होप यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अपने स्कूल में जाकर अपने कंपार्टमेंटल एग्ज़ामेशन के फॉर्म फिलअप करेंगे और आपके पास सिर्फ एक ही महीना है और एक ही महीना के अंदर आपको जो भी सब्जेक्ट खराब हुए हैं उस सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छे से रिवीजन करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में हेल्प कीजिए तो मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूंगा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए मैं मैथ्स और साइंस का वीडियो जल्द एक दो दिनों से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपके मैथ्स के हर चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में आएंगे ही वह सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं मैथ्स में और साइंस में जो जो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वह सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में ही इसे शेयर कीजिएगा कि स्टडी उस चैनल पर एग्जामिनेशन के समय जो भी यहाँ से कराया गया था मैथ्स एंड साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कॉमन आए थे तो आई होप आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे अगर नहीं देखे होंगे तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है मैथ्स के एंड साइंस के मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया हूँ वहां से भी आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है फिर भी मैं कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट वीडियो मैं हर चैप्टर का मैं देने वाला हूं और हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस और जो जो क्वेश्चंस कंपार्टमेंटल एग्जाम में खासकर आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को भी मैं पूरी तरह से फोकस करूंगा और उसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन को इजी वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और अपने सारे फ्रेंड्स को यह इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स एक कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स एंड साइंस का क्लासेस स्टडी उत्सव चैनल पर रेगुलर वे में कराया जाएगा सो अधिक से अधिक कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट्स स्टडी उत्सव चैनल के साथ जुड़ें तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू